हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि XUV300 में जो ड्यू सर्विस का रिमाइंडर आता है उसको रीसेट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हम सर्विस सेंटर में जाकर सर्विस तो करवा लेते हैं या सर्विस रिमाइंडर आने से पहले सर्विस करवा लेते हैं, तो और सर्विस उसके बाद वो सर्विस रिमाइंडर आता है जिसके लिए कस्टमर को दोबारा सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि बिना सर्विस सेंटर जाए आपको जो सर्विस ड्यू का अलर्ट है उसको कैसे रीसेट करते हैं। तो देखिए, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम में आ रहा है सर्विस ड्यू, इसको रीसेट करेंगे। तो सर्विस ड्यू आ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इग्निशन को ऑफ करना है। चलिए इग्निशन ऑफ करते हैं। इग्निशन ऑफ किया और इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे जो सेट बटन लगा है उसको प्रेस करेंगे और इग्निशन को ऑन करेंगे। विद इन 3 सेकंड उसको छोड़ देंगे। तो जो सर्विस ड्यू सर्विस आ रहा था, सर्विस ड्यू आ रहा था, वो चला गया है, नो सर्विस ड्यू हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।